go gambling! Aw, oh, dang it. Aw, oh, dang it. ओ भाई, तो मैं हूँ पाड़न FF एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है वो है FXP पर, जिसको स्काई वॉल स्टाइल भी बोलते हैं। ग्लीवॉल के ट्यूटोरियल बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? इस वीडियो के अंदर मेरी जो वॉल स्टाइल है वो FXP, वो अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं डाला, भले वो इंडियन हो या फिर ब्राज़ीलियन हो। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। पर तुम पूछोगे क्यों, तेरे चैनल में ऐसी क्या खास बात है? मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि मेरे जो अपकमिंग ट्यूटोरियल आने वाले हैं वो ऐसे ट्यूटोरियल है जो कि अभी तक इंडियन कम्युनिटी में कोई नहीं डालोगा भाई, क्योंकि किसी को आता ही नहीं है वो सब। सब इंडियन कम्युनिटी में नाम कमा रहे ब्राज़ील फ्री स्टाइल कर करके, बट सच बात बताऊं तो किसी के अभी तक प्रॉपरली ब्राज़ील स्टाइल है ही नहीं भाई। दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि तुमने मेरा चैनल ढूंढ लिया है तो मैं हेल्प करूंगा। मेरे को आती अच्छे से ब्राज़ील स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रूफ के लिए दिखा दूं तुम्हें कि कैसे मैंने अपना गेम प्ले चेंज करा है इतना। ये है मेरी एक महीने पुरानी क्लिप्स, देख लिए? अब ये देखो मेरी रिसेंटली क्लिप्स है ये सब। ओ भाई, अब तुमने देखा कितना ज्यादा फर्क है। एक नॉर्मल मूवमेंट प्लेयर से मैं बन चुका एक इंस्टा प्लेयर। और मेरे इस वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए तुम क्या करो, अपने दोस्तों को शेयर वेयर कर दो एंड कमेंट करके बता दो कि तुम्हें क्या क्या और सीखना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें सीखने में जब मेरे को महीने लग गए तो तुम्हें सिखाने में कम से कम मेरे को थोड़े से मिनट्स तो लगेंगे ना भाई। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो जो पहला प्रोसेस है उसके अंदर मैं तुम्हें सिखाऊंगा फास्ट ग्लीवॉल कैसे लगाए, क्योंकि बहुत सारे बंदों को नहीं आता होगा फास्ट ग्लीवॉल। सो मैं पूरा एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप सबको पूरा आ जाए। एंड फिर आता है सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में क्या है? सेकंड प्रोसेस के अंदर मैं FXP का पूरा ट्यूटोरियल दूंगा कैसे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप FXP लगाना है स्काई वॉल। बात आती थर्ड प्रोसेस की, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे, बहुत ही ज़्यादा, वो है हैंड कैम FXP का। इसमें पूरा हैंड कैम दिखाऊंगा और तुम उसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे और भी समझ में आएगा। एंड द फोर्थ प्रोसेस है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, वो तुम्हारा फायर बटन को कैसे ड्रैग करोगे तुम, क्योंकि अगर तुम फायर बटन थोड़ा सा भी गलत करोगे तुम्हारा FXP नहीं आने वाला। सो वीडियो फोर प्रोसेस में डिवाइड हो चुकी है। सो फर्स्ट प्रोसेस जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, फास्ट ग्लीवॉल कैसे लगाएं। तो यहाँ पर भाई गेम में आ चुके हैं। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्टेप्स बता देता हूँ, उस पर प्रैक्टिस करो तुम। ये स्टेप्स एक लेवल के देखो, तुम्हें सबसे पहले अपनी जॉयस्टिक जो है उसको मूव करके रखना है, उसको जॉयस्टिक को यूज़ करना है, ठीक है? पूरा जॉयस्टिक किसी भी डायरेक्शन में करो, फिर उसके बाद फायर करो। जब तुम फायर कर लोगे उसके बाद ग्लू को होल्ड करना है। ग्लू पे क्लिक करने के बाद तुम्हें सेट करना है और सेट करके अपनी स्क्रीन को नीचे लाना है, फिर लेफ्ट फायर बटन से दबा के रन कर लो। बहुत सिंपल स्टेप है ये तो। बस पहले इसकी तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी नहीं है तो FXP दूर की बात है भाई, पहले स्पीड इंक्रीज करो तुम। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करो, जितना टाइम दोगे उतनी जल्दी स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी। तो अब बात आती है FXP ग्लीवॉल पर, FXP तुम्हारी क्यों नहीं लग पा रही? इसमें सेम वही स्टेप्स है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, बट तब भी तुम्हारी नहीं लग पाती FXP। मैं बताता हूँ FXP के लिए तुम्हें क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज़ है स्पीड और सेकंड चीज़ है टाइमिंग। अब गलती क्या करते हैं बंदे, कुछ बंदों की स्पीड होती है बट टाइमिंग नहीं होती, और कुछ बंदों की टाइमिंग होती है बट स्पीड नहीं होती। इसमें तुम्हें दोनों की नीड है भाई, अगर दोनों में से एक भी चीज़ मिस हुई तो तुम्हारा FXP नहीं लगने वाला। अब मेरा टाइमिंग से मतलब यही कि कब कौन सा बटन दबाना चाहिए, रिदम तुम्हें आनी चाहिए कि किस सेकंड पे कौन सा बटन दबाया और तभी FXP आ पाएगा भाई तुम्हारा। और ये सब तुम्हें बहुत कंफ्यूज्ड लग रहा होगा तो इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। अब इस क्लिप को ध्यान से देखो तुम लोग। अब यही क्लिप को मैं अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे FXP लगाएं। फर्स्ट स्टेप था जॉयस्टिक, तो इसमें देखो फायर करने से पहले मैंने जॉयस्टिक को पूरा खींच रखा है। सेकंड स्टेप था फायर बटन, अब देखो मेरा पूरा फायर हो चुका है उस एनिमी के ऊपर। थर्ड स्टेप था ग्लीवॉल, अब इसमें देखो मैंने कैसे कितनी जल्दी ग्लीवॉल क्लिक करा है कि बंदे के जस्ट हेड ही पड़ा है और ग्लीवॉल क्लिक भी कर दिया, देखो एनिमी के ऊपर ग्लीवॉल शो हो रहा है। तो वही बात है कि टाइमिंग और स्पीड बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। इसमें मैंने देखो इतनी जल्दी क्लिक करा है,
और बात रही टाइमिंग की, तो तुम्हें मेरे हैंड कैम से टाइमिंग का समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइमिंग के साथ बटन दबाने हैं। अब देखो हेड लगते मैंने कितनी तेजी से ऊपर स्क्रीन करी है। ये स्क्रीन ऊपर करना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारे एफएक्स भी तभी आ पाएगी। इस वन पी को अभी इग्नोर करो, इस पर मैं अलग से एक अच्छा सा ट्यूटोरियल लाऊंगा, तो अभी तुम एफएक्स पी पे फोकस करो। सो उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा वन पी कैसे लगाना है, बट एफएक्सपी के अंदर भी तुम्हारे ऊपर स्क्रीन ले जाना जरूरी है। फोर्थ स्टेप था सेट करना और स्क्रीन को नीचे करना। अब यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीन को नीचे भी कर दिया और परफेक्टली सेट भी हो गया टाइमिंग के साथ। फिफ्थ स्टेप देखो भाई, मैंने कितनी जल्दी लेफ्ट आर बटन दबा के ग्लू वॉल लगा दिए। मैं वही बता रहा हूँ भाई कि इसमें टाइमिंग और स्पीड का खेल है। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसमें और मैंने काफ़ी दिक्कतें झेली इसमें, तो इसलिए मैं वीडियो डालूँ ताकि तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आने वाली मेरी वीडियो के थ्रू। मैंने इतना टाइम किसी चीज़ को सीखने में नहीं लगा जितना एफएक्सपी और वन पी को सीखने में लग गया एक साथ। मैं समझता हूँ तुम अभी भी कन्फ्यूज़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लगाए, क्योंकि इसमें जो क्लिप्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है जिनको पोज कर करके दिखाने में भी समझ में नहीं आ पा रहा अच्छे से। इसलिए मैंने हैंड कैम रिकॉर्ड कराया भाई, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए वीडियो रिकॉर्डिंग से भी और हैंड कैम के थ्रू। Away from here.